हमसे हमेशा जुड़े रहने के लिए हमें सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाएं। सुमेरपुर पुलिस ने दो दिन में चोरी हुई स्विफ्ट कार बरामद, आरोपी की तलाश जारी। पुलिस ने रविवार को एक साथ की दो कार्रवाई। थाना क्षेत्र के खिवांदी सरहद पर 14 अगस्त की रात करीब 8 बजे 5 अज्ञात बदमाशों द्वारा लाठी डंडों से मारपीट कर पिस्तौल दिखाकर युवक के गले से सोने की चेन व गाड़ी में पड़े 3 लाख रुपए लेकर भाग गए, जहां पर प्रार्थी द्वारा थाने में पेश होकर 15 अगस्त को घटना की रिपोर्ट दर्ज करवाई। थाना अधिकारी रविंद्र सिंह खींची ने बताया कि अपराधों की रोकथाम व वांछित आरोपियों की धरपकड़ के अभियान के तहत सुमेरपुर वृत्ताधिकारी रजत विशोई के निर्देशन में सुमेरपुर थाना क्षेत्र से हुई लूट की वारदात को ट्रेस करने के लिए सुमेरपुर थाना अधिकारी के नेतृत्व में टीम का गठन किया गया, जिसमें खिवांदी सरहद से सुरेश पुत्र बाबूलाल बिशोई निवासी भाणिया के ठाणी पुलिस थाना शिवपुरा के कब्जे से बिना नंबरी स्विफ्ट कार में उसमें से 3 लाख रुपए और गले में पहने सोने की चेन व अंगूठी को 5 अज्ञात मुलजिम द्वारा 14 अगस्त की रात को जबरन लूट कर ले जाने के संबंध में त्वरित कार्रवाई करते हुए मुखबिर की सूचना पर शरद रोजड़ा में लूट की गई कार को बरामद किया गया। बाकी आरोपियों की तलाश जारी है। जागरूक टीवी के संवाददाता से बात करते हुए नरसी राम जाँचकर्ता, इन्होंने ये कहा। एक लिखित रिपोर्ट इस आशय की पेश की दिनांक 14/8 को मेरे 14/8/2020 को मेरे सकोड़ा गाड़ी खरीदने के लिए मुझे एक मेरे दोस्त ने वहाँ बुलाया, सुमेरपुर में बुलाया, फिर सुमेरपुर तखतगढ़ पुलिया के नीचे बताया कि गाड़ी पड़ी है खिवांदी फॉरम हाउस पर। एक बच्चा आया और मुझे लेके गया फॉरम हाउस पर, जहाँ पहले से 3 आदमी खड़े थे, पीछे से 2 आदमी और पाँचों ने मेरे साथ मारपीट कर मेरी नई स्विफ्ट VDI कार को लूट कर ले गए, तथा मेरे गले में पहनी सोने की चैन और चांदी सोने की अंगूठी भी लूट कर ले गए। इस संबंध में प्रकरण संख्या 378/20 धारा 143 394 में दर्ज कर माल मुलजिम की पतारसी की गई। दौरान पतारसी मुखबिर द्वारा इतला मिली कि लूटी गई गाड़ी सरद रोजड़ा में पड़ी हुई, जिस पर जांच अधिकारी नरसिंह उप निरीक्षक मय पुलिस जाब्ता के मौके पर पहुंचकर लावारिस हालत में पड़ी हुई स्विफ्ट गाड़ी VDI को जब्त कर कब्जा पुलिस में ली गई है। मुलजिमानों की पतारसी जारी है। जागरूक टीवी के लिए सुमेरपुर से तरुण रावल की रिपोर्ट।